मिट्टी कई अमराज से इंसान को सेहतियाब करने की सलाहियत रखती है। खालिस मिट्टी से जिस्म ठीक हो सकता है। गीली मोटी मिट्टी का प्लास्टर जिस्म को बहुत राहत पहुंचाता है और इस तरह बहुत से अमराज से इंसान सेहतियाब हो जाता है। ऐसे में रकम भी ज्यादा खर्च नहीं करनी पड़ती है। कैंसर, गठिया, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और फालिक जैसे अमराज का हल कीचड़ थेरेपी में है। आज के मौजूदा साइंस के दौर में इंसान मुख्तलिफ किस्म के इमराज का शिकार हो जाता है और उसे इलाज के लिए मुख्तलिफ जदीद तरीकों से गुजरना पड़ता है, लेकिन मरीज को दवाइयों के दूसरे जिम्नी असरात से दो चार होने के अलावा बहुत सारी रकम भी खर्च करनी पड़ती है। लेकिन उड़ीसा के दारुल हुकूमत भुवनेश्वर में रवायती आयुर्वेदिक डॉक्टर गुरु चरण जीना मिट्टी, पानी, हवा, सूरज की किरणों वगैरह जैसे पांच उसूलों पर मुबनी इलाज के लिए कुदरती तरीका इख्तियार करते हैं और उससे किसी साइड इफेक्ट का खतरा भी नहीं रहता है। चाहे कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर हो, दिल की बीमारी या किसी भी किस्म की संगीन बीमारी हो, यहाँ हर तरह की बीमारियों का कम से कम कीमत पर इलाज किया जा सकता है। भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में वाकई चंडिका के जंगल से 4 फीट की गहराई से या सफेद चींटी के टीले से मिट्टी जमा की जाती है। इस मिट्टी को सख्त धूप में खुश्क किया जाता है ताकि इसमें मौजूद तमाम जहरीली और नुकसानदेह चीजें खत्म हो जाए। इसके बाद रात में मिट्टी को पानी में भिगोया जाता है और उसे सुबह के वक्त प्लास्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी में 16 किस्म की मदनियात हैं। वो मदनियात जिस्म में कुव्वत मुदाफियत में इजाफा करने के अलावा दूसरी गंदगी को सोखने की सलाहियत रखती हैं, जिससे जिस्म सेहतमंद हो जाता है। इसके अलावा अगर ये मिट्टी दरख्तों की जड़ों पर लगाई जाती है तो वो दरख्त की दवा के तौर पर भी काम करती है। माटी चिकित्सा उचित प्रधान कीचड़ थेरेपी सबसे बेहतरीन इलाज है। चंडिका जंगल से खालिस मिट्टी जमा की जाती है। हर किस्म के इमराज का इलाज मिट्टी और पानी की मदद से किया जाता है। इस तरह से तकरीबन 200 इलाज किए जाते हैं। 200 प्रकार चिकित्सा से हम गोटा पर गोटा प्रयोग कर सकते। ये कुदरती इलाज आयुर्वेद का एक जुज है। इस खसूसी इलाज के लिए दूर दराज से मरीज सुबह से शाम तक गुरु चरण जीना के पास पहुंचते हैं। वह इलाज से फायदा उठाते हैं और सेहतियाब होकर अपने घर वापस लौट जाते हैं। पचहत्तर साल गुरुचरण गुज़िश्ता 45 सालों से इस काम को कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 50,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया है। ये इलाज सुलूक फितरत के 5 बुनियादी अनासिर पर मबनी है। वो मिट्टी, पानी, हवा, आसमान और सूरज की किरणें हैं। इन सब को मिलाकर मिट्टी का प्लास्टर बनाया जाता है जो इलाज के लिए मौसिर है। जब गुरुचरण ज़रात में तहकीक कर रहे थे तो कुदरती तरीकों से इलाज की तरबियत हासिल की। मुलाजमत से रिटायर होने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक इंस्टीट्यूट से नेचुरोथेरेपी में डिग्री हासिल की। उस वक्त से उन्होंने इस तरह इलाज शुरू किया। अब वो बहुत सारे लड़कों को मुफ्त तरबियत भी दे रहे हैं। अपने तजुर्बों से गुरुचरण ने इस शोबे में महारत हासिल कर ली है। मिट्टी की कुछ खास किस्में, उनको प्लास्टिक के छोटे थैले में रखा जाता है जिसमें नीम की पत्तियों से बना पेस्ट होता है। उसमें हल्दी की कुछ मकदार भी शामिल की जाती है जिसका इस्तेमाल प्लास्टर के तौर पर किया जाता है। सीनियर आयुर्वेदिक डॉक्टर के इलाज से मरीज भी मुतमईन है। इसके बाइस स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर में इस कदीम तरीके से इलाज की मांग में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और डॉक्टर के पास मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। इस इलाज के जरिए उड़ीसा के साबिक गवर्नर गोपाल रामानुजन 1998 में 1 माह के अंदर ठीक हुए थे। उससे कबल उन दिनों उनके इलाज पर 6 डॉक्टर्स ने 60 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं हो सकी थी। अगर इलाज के इस कुदरती तरीके को आज की जदीद टेक्नोलॉजी और महंगे इलाज के दरमियान मकबूल बनाया जाए तो बहुत सारे लोग बगैर किसी परेशानी के आसानी से सेहतियाब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 24 घंटे खबर लगातार देखने और पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत।